नमस्कार, हिमाचल अभी अभी डॉट कॉम का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हिमाचल अभी अभी की ओर से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। आज दिवाली पर रात 8:16 तक रहेगा लक्ष्मी पूजन का सबसे उत्तम मुहूर्त। जवानों के साथ दिवाली मनाने कारगिल पहुंचे पीएम मोदी, बोले कारगिल में आतंक के फन को कुचला है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक का ब्रिटिश पीएम बनना लगभग तय, बोरिस जॉनसन के पीछे हटने पर दावेदारी हुई और मजबूत। हिमाचल में रिटायर्ड फौजी से मारपीट, चाचा सहित 4 के खिलाफ FIR दर्ज। महाराष्ट्र में फिर होगा खेला, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का दावा, शिंदे समूह के 22 विधायक जल्द ज्वाइन करेंगे बीजेपी। अब खबरें विस्तार से। दिवाली का त्यौहार है, जीवन में खुशियां और नई उमंग लेकर आता है। दीपावली का पर्व माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अति शुभ माना जाता है। दिवाली की रात को भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त में गणेश लक्ष्मी पूजन करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन मुहूर्त शाम 6:53 से रात 8:16 तक रहेगा। इसकी अवधि 1:23 की है। पीएम मोदी पिछले 8 साल से जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। साल 2014 में ये रिवायत तब शुरू हुई जब मोदी ने पीएम पद संभाला था। इस बार भी दिवाली जवानों के साथ मनाने पीएम जम्मू कश्मीर के कारगिल के द्रास सेक्टर पहुंचे और यहीं पर जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेट की। पीएम ने कारगिल के जवानों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि मैंने कारगिल के युद्ध को करीब से देखा है। कारगिल में पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई मुकाबला नहीं जो हमने ना जीता हो। हमने आतंक के हर फन को कुचला है। ब्रिटिश पीएम पद पर पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन के दावेदारी से इनकार करने के बाद भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व पर काबिज होने की संभावना सोमवार को और प्रबल हो गई। पूर्व पीएम ने रविवार की रात को ये कहते हुए पीएम पद की दौड़ से खुद को अलग कर लिया कि वापसी के लिए ये सही समय नहीं है। इससे सुनक के लिए दिवाली पर जीत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हिमाचल के ऊना जिला में दिवाली को एक रिटायर्ड फौजी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ये मारपीट बिजली की तार हटाने को लेकर रिटायर्ड फौजी के चाचा और उसके परिवार के सदस्यों ने की है। मामला ऊना जिला के गगरेट पुलिस थाना के तहत मवा सिंधिया से सामने आया। इस मारपीट में दराट से भी हमला किया गया जिसके चलते फौजी घायल हो गया। घायल ने अपने चाचा चाची और उसके बेटे बेटों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने रविवार को अपने मुखपत्र सामना में दावा किया कि शिवसेना के 40 बागी विधायकों में से 22 जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अपने साप्ताहिक कॉलम में शिवसेना बारिश और सुखाड़ के दौरान निष्क्रिय रहने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगवत सिंह कोश्यारी पर भी तंज कसा है। उद्धव की शिवसेना ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना बीजेपी की एक अस्थायी व्यवस्था है। शिवसेना ने सामना में कहा है कि शिंदे गुट का महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत और सरपंच चुनाव में सफलता का दावा झूठा है। शिंदे समूह के कम से कम 22 विधायक नाराज है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।